अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटे क्रिस्पी आलू। सबसे पहले तो मैं बेसन लूंगी, 2 चम्मच मैंने लिया भर भर के बेसन। अब मैं इसमें डालूंगी कुटी लाल मिर्च, हाफ चम्मच कुटी काली मिर्च, हाफ चम्मच जीरा, हाफ चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच भर के लिया है मैंने, और चाट मसाला शामिल करूंगी 1 चम्मच, नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी। अब इसमें मैंने एक छोटी सी प्याज ली है और 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप की है, ये नींबू, 1 नींबू लिया है, ये भी मैं इसमें निचोड़ दूंगी। नींबू मैंने इसमें डाल दिया है, मैं थोड़ा थोड़ा इस पानी डाल के इसको एक बैटर बना लूंगी, ज़्यादा पतला नहीं करना। ये मैंने इस तरह से बैटर बना लिया है, मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूंगी। मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं बॉईल किए हुए आलू शामिल करूंगी। अब ये मैंने बॉईल कर लिए थे आलू, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर दूंगी, यानी कि 1 चम्मच चिकन पाउडर शामिल करूंगी। इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको डीप फ्राई करूंगी। चलिए जी, देखिए डीप फ्राई हो रहे हैं। क्रिस्पी हो गए हैं, कलर आ गया, अब मैं इसको निकाल लूंगी। ये हाथ से उठा उठा के डालें, हाथ से ज्यादा अच्छे डलेंगे। चलिए जी, देखें डाल दिए हैं, अब बाकी भी सारे मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी।